YouTube लाइव करा मैडम। जमशेद आले का? जमशेद आले का? जमशेद आले का? जमशेद अजून दिसत नाहीये, जरा बघा, चेक करा, त्यांना फोन करा। ग्लास घेऊन जा तो, ग्लास घेऊन जा। दोस्तों नमस्ते, गुरुकुल जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नगर श्रीगोंदा तालुका वहां से MDRT एजेंट है जमशेद जी, वो आज आप सभी को गाइडेंस करने वाले हैं हाउ ही डिड MDRT। उसके पहले गुरुकुल जीवन की परंपरा के अनुसार प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रारंभी विनंती करो गणपति, विद्या दया सागरा, अज्ञान त्वहरो निबोधि
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। तव भक्तिलाघी तनुहि जिजुदे तव चरण कमली मनहे निजुदे तव वचनि ठेवी वाचा रिझाया नमस्कार माझा तुला सद्गुरु आया। श्री सद्गुरुनाथ की जय। श्री कलावती माता की जय। परम पूज्य गुरुदेवता श्री कलावती माता की जय। परम पूज्य गुरुदेवता श्री कलावती माता की जय। मैडम जरा ऐड पिन करा मला। ऐड पिन करा जरा। मला मला माझा माझा जमशेद शिकला केलंय। मला मला करा जरा। माझा कॅमेरा चालू केलाय। तुम्हाला दाखवते सर। माझा कॅमेरा चालू केलाय। मला करा। दोस्तो नमस्ते। सीधा अस्पताल से बात कर रहा हूँ। एडमिट हूँ मैं और एक छोटा सा सर्जरी हुआ है। लेकिन गुरुकुल जीवन का ये ज्ञान यज्ञ जो है ये चालू ही रहना चाहिए। इसकी वजह से ये सेशन का आयोजन किया हुआ है। शायद जमशेद जी को भी मालूम नहीं था कि मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। नहीं सर मालूम नहीं। ओके सो वो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे तो घाव होते ही है, रहते हैं। और अपने को आगे जाना है और जो बीड़ा उठाया है कि लोगों को एक अच्छी सेवा देना, एक अच्छा उनको एक दौर पे लेके आना, एक मार्ग पर लेके आना, वो काम जो है वो हम कर रहे हैं। दोस्तों MDRT आपको बनाना ये मेरा ख्वाब है और उसके लिए जो पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इस हालत में भी सेशन अरेंज कर सकता हूँ तो आप कट्टे कट्टे हो। आपको सिर्फ मार्केट में जाना है, लोगों से बात करना है, इतना ही छोटी सी चीज करनी है जो आप भली भांति कर सकते हो। आज जमशेद जी को सुनने के बाद आपका एटलीस्ट एक पॉलिसी तो कम से कम होना चाहिए और MDRT के राह पर आपका एक कदम बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसी के लिए आज का ये सेशन का आयोजन किया है। सो आज की शाम जमशेद जी आपके नाम। मेरा पहला सवाल जो है, मैं सवाल जो आप करने वाला सर, ओके। आपको मैंने बताया है कि आपको क्या प्रारंभ करना है। थैंक यू वेरी मच। मेरा कैमरा ऑफ करता हूँ। वहां से शुरुआत करो कि आप यहाँ कैसे आ गए इस क्षेत्र में और वहां से कैसे, कैसे आगे बढ़े उसके बारे में बात कीजिए। हेलो, नमस्ते सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? अरे वो तो कर आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही ना। मैं पहले तो हमारे विकास अधिकारी माननीय तुम्ही अनम्यूट ऑल करा मॅडम। सॉरी म्यूट ऑल करा, म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल करा।
यूट्यूब लाइव केलं का? हो केलंय केलंय. हा आणि अनम्यूट होते आहे ना, म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री ते करा. केलंय केलंय सर, आता नाही येणार आवाज. जमशेदला सांगा. ओके मॅडम सुरू करू मी? हा सुरू करा. आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम. पहले तो मैं जादव सर का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. दोस्तों मैं खुद को बहुत बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि एक मुझे राजेश जादव सर जैसे एक विकास अधिकारी के साथ मुझे रहने का मौका मिला, आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला. मैं पहले से ऐसा लगता नहीं था कि मैं ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा. दोस्तों मेरी शुरुआत 2004 से हुई, LIC में आया आया वो एक्सीडेंटली आया. पता नहीं था LIC का काम कैसा करना है, कुछ पता नहीं था. बात हो गई ऐसी कि 2004 में मेरी शादी हुई और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी. मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते थे और मैं पान की दुकान पर बैठता था. उस दौरान काफी दिन खराब हुए थे, धंधा नहीं हो रहा था. और एक दोस्त मेरा कॉलेज का दोस्त एकदम सूट बूट में मेरे दुकान पर आया और मुझे मैं उसको बहुत पूछा कि क्या कर रहा तू. उसने बताया मैं पल्स का एजेंट हूँ. बोला पल्स कंपनी प्राइवेट कंपनी का एजेंट हूँ. तो मुझे लगा कि ये तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत तो इसका सुधार हो गया इसमें. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम करूँ. मैं उसको पूछा ये कैसा करने का, तो उसने बोला मैं तुझे करता हूँ एजेंट. तो फिर मैं जब भी लोगों को पूछता था, उसके मैं एजेंट हो गया, मैं जब भी लोगों को पूछता था तो लोग मुझे बताते थे कि ये काम मत कर, इसकी गारंटी नहीं है, ये पैसे की कोई गारंटी नहीं, और अगर हम तेरे पास पॉलिसी लेंगे तो तू हमारे पैसे देगा क्या, तेरी इसकी सिक्योरिटी तू लेता है क्या. तो मैं बोला कि ऐसा तो नहीं होता कि मेरे पास, तो मैं तो बोला इसकी गारंटी तो मांगता, मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं ले सकता इसकी जिम्मेदारी. उसके बाद उसका मैं एजेंट हो गया था लेकिन मैंने काम नहीं किया. उसी दौरान मेरे जो एक मेरे मार्गदर्शक है, ग्राम सेवक थे इधर के, सन्मान्य बोला साहेब आजबे, उन्होंने मुझे बताया ये काम मत कर, तो LIC का काम कर, LIC बहुत अच्छी है और पैसे की पूरी गारंटी LIC की रहती, अपनी जिम्मेदारी नहीं रहती. तो फिर मैं उसी दौरान खोज में पड़ा कि मैं किसे मिलूं. मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं मिलना किसको है. तो उसी दौरान फिर मुझे पता चला कि हमारे विकास अधिकारी करजत में श्रीमान हनुमान जी बोधले है. तो बोधले साहब मेरे पहले डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनके पास 2004 को मैंने एजेंसी ली. उसी दौरान मेरी शादी हुई थी, धंधा अच्छा चल नहीं रहा था. फिर मुझे लगा मैं LIC की एजेंसी लूंगा. LIC की एजेंसी ली, बहुत मशक्कत. मैं ऐसे फैमिली से था, मेरी अगर फैमिली की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो मेरी माँ खेत में काम को जाती थी, मैं पान की दुकान पर बैठता था लेकिन दुकान का धंधा नहीं था. हालात अगर देखने के थे, मेरी शादी भी हुई थी, घर की जिम्मेदारी थी, बीवी आई थी, वो भी बोल रही थी कि तुम कुछ तो करो या ऐसा कैसा चलेगा. उसी दौरान मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इसमें नहीं चलेगा धंधा. तो मैं जब भी लोगों के पास जाता था तो लोग सिर्फ प्लान पूछते थे. मैं रोज सुबह 7 बजे घर से साइकिल पर निकलता था और गांव में घूमता था, यहाँ बैठ वहाँ बैठ, ऐसे लोगों से बातें करता था और बोलता था कि वो LIC की पॉलिसी है, ऐसा है वैसा है, इतना भरो उतना भरो, लेकिन लोग ख्याल दे रहे नहीं. तो उसी दौरान एक साधारण मुझे मेरी पॉलिसी हो गई. एक 3 जनवरी में मेरा पहला चेक आया था, जनवरी का चेक, 800 रुपये के आसपास मेरा करीब चेक था, 800 के करीब. मैं बहुत खुश था कि मेरे नाम से LIC का चेक आया, बहुत खुशी हो गई कि मेरे नाम से LIC का चेक आया. पोस्ट से चेक आता था, मुझे लगा कि ये मैं काम कर सकता हूँ अच्छा.
तो फिर मेरे एक हर रोज सुबह में साइकिल पर निकलता था गांव में, इसको पूछ उसको, ऐसा पूछते पूछते लोगों को एक शुरुआत हो गई काम की मेरी। और बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं गाड़ी ले अगर लूँ तो मेरा काम अच्छा चल सकता है। तो मेरे पास दोस्तों गाड़ी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने, मेरी शादी हुई थी मेरी बीवी को, हमने ही एक नेकलेस था उसके पास, वो नेकलेस था 1.5 तोला नेकलेस था, 18 ग्राम का, अपना 15 ग्राम का। तो मैं उसको बोला कि मैं अगर गाड़ी लूँगा तो मुझे काम हो सकता है मेरा अच्छा। तो उसने कहा फिर क्या क्या करने का। तो मैं बोला ये मुझे नेकलेस दी थी क्या। तो उसने बोली हाँ तुमने बनाए तुम ले सकते बोली। तो मैं वो नेकलेस लिया दोस्तों। नेकलेस मैं तोड़ने के लिए गया तो नेकलेस 1.5 तोले का नेकलेस, एक 15 ग्राम का नेकलेस के 6,000 रुपये में जाए। 6,000 रुपये मैंने वो 6,000 रुपये लिए। गाड़ी को तो डाउन पेमेंट भरना था 12,000 रुपये और पैसे थे मेरे पास 6,000 रुपये। फिर दो दोस्तों से 3,000-3,000 रुपये उसने लिए उधार पर, और मेरे बहन ने मुझे दिए दोस्तों से 2,000-2,000, मेरे बहन ने 3,000। ऐसे मेरे पास एक 13,000 हुए, 12,000 रुपये डाउन पेमेंट भरा और 1,000 रुपये इंश्योरेंस का भरा। उसके बाद मेरे पास पेट्रोल को पैसे नहीं थे, तो पेट्रोल मुझे मेरे शोरूम वाले ने स्कीम था तो उसने मुझे 5 लीटर पेट्रोल डाल के दिया। मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी और मैं गया गाड़ी लेकर घर पर। मुझे मेरी बीवी मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि एक हमारी ज़िंदगी में कभी हमने गाड़ी का तो सोचा भी नहीं था और गाड़ी मिली। जब गाड़ी लेके घर को गया तो पेड़े लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बीवी उसी दौरान टेलरिंग काम कर रही थी, उसने ब्लाउज के सिलाई के मुझे 15 रुपये दिए थे। एक ब्लाउज सिलाने के बाद उसको 15 रुपये मिलते थे दोस्तों। उसने मुझे वो 15 रुपये दिए और मुझे कहा कि इसके पेड़े लाओ। तो उसी दौरान मैं पेड़े लेके आया तो 15 रुपये के 1/2 किलो पेड़े आए। पेड़े लाया, गाड़ी काम शुरू करा। काम शुरू करा तो जाऊँ किधर, अभी जाने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे तो मैं दुकान पर, पान की दुकान पर बैठता था और जाऊँ किधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसा ही उसी दौरान फिर और मैं बोला कि जाऊँ किधर, गाड़ी तो मैं वापस ला के घर में लगाया। मेरे जितने कॉन्टैक्ट थे उनकी तरफ जाके आया पर समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। उसी दौरान मेरे वही ग्राम सेवक जो मेरे गुरु है उनसे पूछा कि भाऊ साहब मैं ऐसा ऐसा तो अभी गाड़ी या काम चालू कर रहा तो मैं कहाँ करूँ। वो तो मेरे गांव से एक साधारण, उनका गांव 7 किलोमीटर था, वहाँ के रहने वाले थे पर वो दूसरे गांव को बदली हो गई थी उनकी, ग्राम सेवक थे वो। तो मैंने उनको कहा कि भाऊ साहब मैं तुम्हारे गाँव को, मेरा कलेक्शन होगा क्या बैंक का, बैंक कलेक्शन मैं अगर करूँ तो एक दो काम अच्छे होते हैं, बैंक का और LIC का, ये जजमेंट अच्छा बैठता है। तो फिर मैं उसके सिराल गांव को मैं कलेक्शन के लिए गया। एक तालुका चेंज था, मेरा तालुका अलग था, वो तालुका अलग था। मैं उस तालुके में कलेक्शन, बैंक का कलेक्शन करने के लिए गया और उन्होंने हर दुकान वाले के पास मेरी पहचान करा कि ये नीरज गाँव को मेरे घर वाले के घर नज़दीक रहता था और बहुत अच्छा लड़का है, इसके पास तुम बैंक का किताब करो, पॉलिसी करो, LIC का काम करता है। तो उसी दौरान फिर वो लोगों को अच्छा लगा कि चलो वो करेंगे। तो मैं वहाँ मेरे दौरान, उसी दौरान मेरी वहाँ पर शुरुआत हुई और उसी पहले ही दिन मुझे एक पॉलिसी वहाँ पर मिली। मैं बोला ये गांव मुझे अच्छा लगेगा, ये गांव मुझे जचेगा और मैं यहाँ अच्छा कलेक्शन कर सकता हूँ। तो फिर मैं हर रोज सुबह में 7 बजे घर से गाड़ी पर जाता था और बैंक का कलेक्शन करता था। और दोस्तों एक बात भी बताना भूल गया, बैंक का कलेक्शन करने से पहले मुझे 5,000 रुपये डिपॉजिट बैंक में भरना था बचत संस्था का, लेकिन वो 5,000 रुपये मेरे पास नहीं थे। हमारे मैनेजर ने चेयरमैन को बताया कि सर इसके पास पैसे नहीं है, ये 5,000 रुपये बैंक में से कलेक्शन से आएंगे तो पहले उसको डिपॉजिट भरेगा और बाद में हम उसको पेमेंट करेंगे। चेयरमैन ने बताया ठीक है, और फिर मेरा कलेक्शन चालू हो गया। कलेक्शन बढ़ते बढ़ते गया, वैसे समय मेरी मेहनत, मुझे पता था मैं LIC में एक दिन बहुत आगे जाऊंगा, क्यों तो मुझे गारंटी थी मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे लोगों से पहले से ही मिलने को एक अच्छा लगता था, बात करने को अच्छा लगता था और मैं लोगों से मिलता था, मुझे पॉलिसी होती गई, लोगों का भरोसा बैठता गया। और
काम मेरा चलता गया। तो एक साल में मुझे पहले एक 60-70 पॉलिसी हो गई, क्यों तो मेरी दिसंबर की नवंबर एंड की एजेंसी थी मेरी, एक मार्च तक मेरे एक 15 पॉलिसी हो गई थी। और 15 पॉलिसी के बाद नेक्स्ट ईयर 2005 का जो 2006 का जो मार्च एंड था वहाँ तक अप्रैल टू मार्च 2005 का अप्रैल टू मार्च 2006 तो एक मेरी 60-70 पॉलिसी हो गई। तो मुझे एक अच्छी गारंटी आई कि मैं काम अच्छा कर सकता हूँ। दोस्तों वहाँ से काम की शुरुआत हो गई और आज तक LIC ने सब कुछ दिया। मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मुझे LIC ने मैं काम कितना कर रहा हूँ। मैं सुबह को जो घर से निकलता था और शाम तक दोपहर के वक्त एक डेढ़ बजे मैं घर पर आता था बैंक का कलेक्शन करके, और दोपहर को मेरा हिसाब और LIC के लोगों को मिलना, और बाद में और शाम का कलेक्शन, ऐसा ही रूटीन था। दिन से रात तक मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं था, और जिम्मेदारी घर की बहुत बड़ी थी मेरे ऊपर। तो ऐसा शुरुआत हो गई मेरी। उसके बाद काम बढ़ते बढ़ते गया, बाद में फिर और मेरे जो विकास अधिकारी है पहले बोदले साहब, इनकी बदली हो गई। ये उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बारामती जाना चाहते थे। मैं इसी दौरान फिर वो उनकी बदली हो गई और मैं ब्रांच में फिर विदाउट DO का ही था। एक साधारण 3-4 साल मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं थे, मैं ऐसा ही अपने मन से काम करता था, ब्रांच मैनेजर बताते थे मुझे लगा। और उसी दौरान मुझे क्लब मेंबर मिल गई। क्लब मेंबरशिप मिलने के बाद मैं DM क्लब हो गया था मेरा, और फिर मुझे अलॉटमेंट मिल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अलॉट हो जाऊं किसी DO को, और अगर मैं DO को कौन से अलॉट हो जाऊं तो मेरा काम बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं फिर बाद में हमारे विकास अधिकारी अशोक जी गदादे साहब, इनको मैं अलॉट हो गया। मैंने उसके लिए मेरी क्लब मेंबरशिप डाल दी। मैंने पॉलिसी जानबूझकर लैप्स किया बोले तो मैं नया पॉलिसी भी डाला नहीं, और मुझे खाली अलॉट होना था DO के पास। तो हमारे गदादे साहब का बहुत काम अच्छा है, मैं उनके पास अलॉट हो गया। और उसी उसके बाद काम का जो स्पीड पकड़ा सर, तो चलता गया। मेरा सर मैंने मुझे पहले से LIC में अगर कुछ सीखने को अगर मिलता है तो मैं क्लास कहाँ भी ट्रेनिंग को जाता था। हमारे साहब कहते थे, अगर साहब ने कहा कि इधर पुना को जाना है, पुना को ट्रेनिंग है, तो जाना ही जाना है मेरे। उसके दौरान बाद में फिर मेरी कंडीशन थोड़ी अच्छी अच्छी बदलती गई, और मैंने गदारी साहब के पास अलॉट हो गया। मैं उसके दौरान IOE के 2 कोर्स किया, और पहले मेरी पॉलिसी छोटी छोटी पॉलिसी थी। IOE का पहला कोर्स मैं 2007 में किया, 2007 में मैंने मेरा 7 में किया, और मुझे ऐसा वहाँ बताए थे कि तुम ऑफिस अगर डालोगे तो तुम्हारा काम अच्छा बनेगा। तो मैं 2009 में मेरा पहला ऑफिस किया। उस टाइम मेरे शायद एक ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, एक 200-250 के करीब मेरे, उसी दौरान वो ये आया था मनी प्लस, तो कस्टमर 350-400 के करीब हो गए थे। फिर मैंने फिर मेरा ऑफिस डाला, काम छोटा था फिर भी मैं मेरा ऑफिस डाला, क्योंकि एक सर्विसिंग के लिए अपने ऑफिस मांगता लोगों को। उस अगर हम अपना ऑफिस करेंगे लोगों को लगता है इसका ऑफिस है, इसका काम अच्छा है। तो फिर मैं ऑफिस डाला, काम चला बढ़ता गया। फिर बाद में और एक बार IOE का कोर्स करा। सर जो बताते थे सर ने बोलने के बाद वो उसका फौरन उसका इम्प्लीमेंट करने का, सर ने अगर बताया ना ये करने का तो वो करने का ही। इतने लोगों को मिलने का रोज अगर यादी लेंगे निकालेंगे, इतने लोगों को मिलना है तो मिलना ही है उतने लोगों को। सुबह 7 बजे से तो शाम के मेरा काम 9 बजे तक चलता था, बिल्कुल दोपहर में खाने की छुट्टी होती थी, ऐसा काम चलता गया। और 2007 में जो ऑफिस चालू किया था वो ऑफिस मेरा छोटा ऑफिस था, एक 10x10 का ऑफिस था। तो उसके बाद मैंने अभी एक मार्च में दूसरा ऑफिस किया,
ये ऑफिस को मैं अभी 3.5 लाख रुपए खर्चा किया और ये ऑफिस बनाया मैं अभी। तो ये ऑफिस मेरा कई साल मेरा MDRT हुआ। मुझे मेरे साहब ने बताया कि तुम्हारे MDRT होगा, इसको थोड़ा इतना बिजनेस कम है गए साल, तो 2020 में। तो मैं मुझे कहा था कि तेरे को 6 लाख रुपए कम है कमीशन, 6 लाख मुझे कहा बिल्कुल हुआ अक्टूबर अक्टूबर एंड को। तो मैं बहुत फोकस किया काम पर उस दौरान, बहुत फोकस किया। हर रोज LIC के स्टेटस मैसेज कस्टमर को डालता था कि वो इतना भरो, इतना मिलेगा, इतना भरो, इतना मिलेगा। उसी दौरान फिर मुझे एक कॉल आया, एक नवंबर या नवंबर में, एक मेरे पहले कस्टमर थे, उन्होंने बताया ये प्लान कैसा है महिला PPF का। तो मैं बताया उनको, मैडम ये प्लान ऐसा ऐसा है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम घर पर आकर मिलो। मैं घर पर गया तो मैडम मेरे पास पॉलिसी 50 लाख की पॉलिसी मिली मुझे, वो 2.5 लाख रुपए प्रीमियम आया नवंबर। और दिसंबर में फिर मैं, और दिसंबर के आखिरी तक मेरा एक शायद 15 तारीख तक मेरा कंफर्मेशन हो गया नहीं था, 15 तारीख। तो फिर मुझे मैं बड़े बड़ी उमंग की पॉलिसी डालना, उमंग पॉलिसी लाभ ऐसी पॉलिसी करते गया, और वो मेरा गए साल हो गया। उसके बाद अभी ऐसा लगा कि हमारा मेरा जब MDRT हो गया, मैं ऑफिस में डिक्लेयर हो गया, मेरे घर वाली मेरी बीवी मुझे फोन पर पूछती थी कि हो गया क्या, कहाँ तक आए तुम, घर पर कब आ रहे। मुझे ऐसा लगा कि क्यों पूछ रहे वो मुझे इतना, ये किस लिए पूछ रहे कि तुम कहाँ तक आए, कब आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके मुझे करीब वापस से आते वक्त मैं एक 10 कॉल आ गई रही मुझे कि तुम कहाँ तक आए, कब आ रहे। तो घर को जब आया तो मेरा ऐसा सेलिब्रेशन हो गया, ऐसे फूल मुझ पर डाले गए, एकदम बहुत धमाकेदार मेरा MDRT का सेलिब्रेशन घर पर हुआ। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से वो तो हो गया, अब ऐसा लगने लगा कि हर साल MDRT होने वाला। अगर हम कहीं तो इस साल भी MDRT का ऐसा, जब जादव सर हमारी दिल्ली टूर का नियोजन किया सितंबर में, तो जब 9 लाख रुपए मुझे प्रीमियम कम था, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा MDRT इस साल का नहीं होगा। जादव सर ने कहा कि दिल्ली टूर जाने वाले, उसी दौरान तात्या साहब शेवाळे का एक सेशन इस पर जूम मीटिंग पर था, तात्या साहब शेवाळे का मैं सेशन अटेंड किया, तो इतना जबरदस्त मोटिवेट हो गया मैं उसी सेशन से। और मैं मेरे विकास अधिकारी दादा साहब को सेशन खत्म होने के बाद फोन किया, मैंने अभी का सेशन सुना, सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सर इस साल MDRT तो करने वाला हूँ, लेकिन अगले साल मैं डबल MDRT करूँगा। तो मैं सर सर को बहुत बड़ा अच्छा लगा। मैं जादव सर को उसी दौरान फोन किया, सर मैं आपका सेशन अभी अटेंड किया, मैं इस साल MDRT तो करने वाला हूँ और अगले साल तो मैं डबल MDRT करूंगा। जब जादव सर हमें दिल्ली टूर पर लेकर गए, दिल्ली का सब घूमना हो गया, और उसके बाद जो राजीव आर्या सर वहाँ के जो TOT एजेंट है उनके ऑफिस को हमें जाने का मौका मिला, मैं मेरी बीवी के साथ दिल्ली टूर पर गया था। ऐसा लगा था कि MDRT तो नहीं, हम भी MDRT को तो नहीं गए अमेरिका, ये इसका कोरोना पीरियड चालू था तो अमेरिका USA को जाने का नहीं हुआ। तो ऐसा फिर लगा कि चलो हम यहाँ पर जाएंगे दिल्ली टूर, बीवी को तो घुमाने ले जाएंगे, उसको लेकर गए। और जब जादव सर हमें TOT एजेंट वहाँ के राजीव आर्या सर उनके ऑफिस को लेकर गए, उनकी जब मैंने बातें सुनी और इतना जबरदस्त उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, तो उसी दौरान मैं ठहराया कि मैं अभी इस साल का तो MDRT मुझे इतना वक्त नहीं था, मैं अभी MDRT इस साल करूंगा, लेकिन अगले साल मैं COT करूंगा। मेरा COT का सपना था, जादव सर की तरफ से आपको TOT बताया गया। तो मैं दोस्तों मैं अगले साल मैं COT होने वाला हूँ,
और मैं उसी जब वहां ठहरा है, मैं बोल दिया सर को, सर मैं सीओटी करने वाला हूँ, मेरा सीओटी मैं अगले साल करूँगा। तो मैं फिर वहां से फिर आने के बाद मेरे विकास अधिकारी को, हमारी मीटिंग थी, विकास अधिकारी ने हमारे मीटिंग में मुझे बात करने के लिए कहा। तो मैं उसी दौरान हमारे विकास अधिकारी अशोक जी दादाजी साहब को, हमारी टीम जो पूरी टीम है, सभी को बता दिया कि सर मेरा इस साल का MDRT में मेरा दिसंबर तक जाएगा, लेकिन अगले साल 2022 में जो काम करूंगा मैं, तो वो मेरा काम टीओटी करूंगा, सीओटी करूंगा मैं। और सीओटी का एक टारगेट लेकर काम कर रहा हूँ अगले साल के लिए। तो मैंने ऐसा टारगेट डिसाइड किया कि एक मार्च मार्च 2022 तक मेरा पहला MDRT मैं पूरा करूंगा, और जून जून में मेरा दूसरा MDRT होगा, और दिसंबर तक मेरा तीसरा MDRT अगले साल करूंगा। तो ऐसा मेरा सीओटी का टारगेट है अगले साल, और मैं वो जरूर पूरा करूंगा दोस्तों। बस आप लोगों से बात ये कहनी है कि दोस्तों हर हर एजेंट को एक डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं। हमें ये गुरुकुल जीवन मिला, जाधव सर ने एक बड़ा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए लाकर ये लाया है गुरुकुल जीवन का, और हम सब एक जूम मीटिंग पर एक साथ आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जाधव सर हर रोज एक दो चार दिन को एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं तुम ये ज्वाइन करो। दोस्तों ये जाधव सर को हमारी तरफ से कुछ नहीं लेने वाला, हम तो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग डेवलपमेंट ऑफिसर के एजेंट है, लेकिन मैं तो बात तो पहले से कहता हूँ कि हम लोगों को हर एक को अपने अपने विकास अधिकारी एक ही रहते हैं, पर सुनो हमको जाधव सर सर, के रूप में मैं और एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिले। हम दोस्तों आवाज बहुत आ रही है, हम लोगों को जाधव सर के रूप में और एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिल गए। तो मैं कहता हूँ खुद को कि मुझे दो डेवलपमेंट ऑफिसर है। क्यों? तो जाधव सर ने मुझे, उनकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं सीओटी कर सकता हूँ, मैं टीओटी भी कर सकता हूँ। क्यों? तो अभी मैं लोनावाला ट्रिप को भी गया था, लोनावाला ट्रिप भी बहुत बढ़िया हुई। जाधव सर ने लोनावाला ट्रिप का भी बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था, बहुत बहुत जगह के पार्टिसिपेंट आए थे, और जो ट्रेनर थे जो वो भी बहुत बहुत बढ़िया लाए थे। 2 दिन का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ। मैं आप सभी से कहूंगा कि जाधव सर की जो ये गुरुकुल जीवन एक संस्था है, इस संस्था से जुड़े रहो, और अगर आप इस संस्था से जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा काम कितना करना है, कितना कर सकते हैं हम, हमारी हमारे में कितना पैशन है हमारा। तो काम होता रहता है अगर हम हमारे दिल से, अगर एक हमारे अंदर जो ताकत है उस ताकत से अगर हम काम करेंगे तो हम जरूर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप हमारे घर वालों के सपने हम पूरे कर सकते हैं। दोस्तों मेरे बीवी ने मुझे उसका 1.5 तोले का नेकलेस दिया था, अरे 1.5 तोले का नेकलेस मुझे गाड़ी लेने के लिए दिया था। उस पर मैं उसको करीब करीब एक 10 10 15 तोले सोना किया, क्यों? तो उसने मुझे 1.5 तोले का नेकलेस उसका तोड़ने के लिए दिया था, और मेरी शुरुआत वहां से हो गई थी। उसके बाद मैं 4 व्हीलर गाड़ी लिया, ऑफिस है, सब सब एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सब जहाँ की वहां पर एक बहुत बढ़िया चला। LIC ने इतना दिया, इतना दिया कि मैं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि जब मैं 2 व्हीलर का लाइसेंस निकालने के लिए गया था, एक पीछे वापिस और मैं रिवर्स जाता हूँ, तो उस वक्त मुझे एजेंट ने कहा, तो RTO एजेंट ने, कि सर आपके लाइसेंस पर 4 व्हीलर का लाइसेंस कर दो क्या, सिर्फ टिक मार्क करना है बोले, और जब वो ये करना है टेस्ट देना है ड्राइविंग टेस्ट, तो मेरी गाड़ी रहेगी, मुझे सिर्फ 50 रुपये दो और मैं आपको गाड़ी का, मैं चलाता हूँ, सब मेरे हाथ में रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं ये गाड़ी अभी कैसे लिया मुझे पता है, मुझे कितनी दिक्कत आई है कि मैं ये गाड़ी लूँ। तो मैंने नहीं किया, मैं बोला
मेरे पास उतना मेरी हैसियत भी नहीं कि मैं फोर व्हीलर लूंगा, और वो गाड़ी में ऐसा मुझे लगना नहीं था कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। मुझे ये गाड़ी ऐसा लगता था कि मेरी सब कुछ है, लेकिन उसके बाद मैं फोर व्हीलर लिया, अभी मैं पुणे में मेरा फ्लैट लिया, इतना दिया LIC ने कि LIC का भी शुक्रिया अदा करना मांगता है कि मैं दिल से LIC को थैंक यू कहूँगा कि आज LIC मुझे इस मुकाम पर लेके गई है कि यहाँ से ऐसा मुकाम है कि दोस्त एक इस मुकाम पर जाने के बाद एक अलग फील होता है। मैं आपको बस इतना कहूँगा कि मेहनत करते रहो, अपने फैमिली को भी ख्याल दो, अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता को भी बहुत सेवा करो। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की थी मुझे स्कूल पढ़ाने के लिए, मैंने मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया। दोस्तों मैं पेपर बांटा हूँ, मैं किराना दुकान में काम किया हूँ, मैं पान की दुकान पर बैठने से पहले मैं पेपर बांटा, मैं किराना दुकान में काम किया, मैं किराना के बाजार किया, मैं बाजार में वो संक्रांत को जो तिल गुड़ रहता है, तिल को तिल की पैकेट बना के बांटा हूँ, कोई काम की शर्म नहीं थी। दोस्तों ये LIC, अगर आप LIC में हो तो इसमें शर्म नहीं करने की, तुम जिसी के पास जाओगे शर्म नहीं करने की, मांगने को शर्म नहीं करने की। हम चोरी नहीं कर रहे, हम गलत काम नहीं कर रहे, हम लोगों को उनके भलाई का रास्ता दिखा रहे, तो हम उनको जिसके भी पास जाएंगे पूछने में क्या जाता है, पूछते रहो, लोगों को पूछते रहो, सर आपकी पॉलिसी है क्या, आपको करनी है क्या। मैं हर रोज, अब मैं जो ऑफिस किया, मेरे ऑफिस में स्टाफ है अभी फिलहाल, मैं अभी प्रीमियम पॉइंट अभी तक चालू नहीं किया, तो मैं मेरा प्रीमियम पॉइंट अभी चालू करने वाला हूँ। एक स्टाफ है अभी, दो मुझे ऐसा लग रहा है, और दो की मुझे जरूरत है, एक तीन लोगों का स्टाफ मेरे ऑफिस को मैं अभी करने वाला, अभी फिलहाल तो एक है, तीन का स्टाफ करने वाला हूँ, और प्रीमियम पॉइंट ले रहा मैं। मेरा ऑफिस तो अभी फिलहाल एक 220 स्क्वायर फुट का ऑफिस है मेरा, एक खुद का मेरा कैबिन और बाहर वेटिंग है, वहाँ पर प्रीमियम पॉइंट कर रहा हूँ। मेरा सपना है दोस्तों कि मैं मेरा ऑफिस, मैं जब राजीव आर्य सर का ऑफिस देखा, मेरा भी वही सपना है कि मेरे भी ऑफिस में एक 20 लोग होंगे और 20 लोगों का मेरा स्टाफ रहेगा, उससे आगे भी मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं एक ऐसा तो मैं अभी फिलहाल सोच रहा हूँ, मेरे खुद का मेरा एक जगह प्लॉट है, वहां पर मैं मेरा बांधकाम चालू करने वाला हूँ, एक वहां में मेरा बढ़िया ऑफिस, नीचे पूरा LIC का ऑफिस रहेगा, रहने का अलग इंतजाम रहेगा। एक ऐसा ऑफिस करने का सोच रहा हूँ कि एक बड़ा 1000-1500 स्क्वायर फुट का ऑफिस रहेगा, ऐसे मुझे करना है, मेरे ठान लिया है कि मैं ऐसा करूँगा। ये कब होता है दोस्तों, ये अगर तुम कहाँ जाओगे, तुम ट्रेनिंग करोगे, तुम अगर समझो हमारे जो विकास अधिकारी है ये कहेंगे कि तू ये ऐसा काम कर, वैसा अगर तुमको जो बताया गया ये तुमको ऐसा ही करना है, अपने दिल से नहीं करने का कि मैं ऐसा जाऊँगा, मैं कभी कभी जाऊँगा, कभी करूँगा, ये नहीं। तुम अगर हर रोज सुबह घर से निकल कर अगर शाम को, एक मैं एक मेरी बात बताना भूल गया कि जब मुझे MDRT के लिए गए साल काम कम था, तो मुझे मेरी बीवी ने कहा कि आज पॉलिसी कल पॉलिसी हो गई, कि मतलब कल नहीं हो गई, बोली आज कल सुबह अगर समझो तुम घर से निकल कर गए और पॉलिसी लेकर नहीं आए तो घर पर मैं खाना नहीं दूंगी तुमको। मैं बोला अभी ऐसा कैसा करने का, अभी खाना तो मैं गया घर से सुबह, लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला, लेकिन उस दिन पॉलिसी नहीं हो गई मेरी। दोपहर में आया, मुझे मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारा हो गया क्या, पॉलिसी हो गई। मैं बोला नहीं। उसने कहा तुम अब खाना खाने के लिए आए हो तो तुमको मैं अभी खाना देती हूँ, पर शाम तक अगर पॉलिसी नहीं हो गई तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों मैंने वहीं पर से फिर और कॉल करना चालू किया, जितने जिसने मुझे कहा था कि पॉलिसी करनी की है, मैं उतने लोगों को, मेरे पास एक रजिस्टर है, दो चार रजिस्टर है ऐसे, कि उस रजिस्टर पर मैं लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर एंट्री करता, किसने मुझे कहा उन लोगों को बता रहा था कि तो उनका नाम उस रजिस्टर पर रहता है, मैं ऐसे फ़ोन करके गया। तो उसी दिन मैं वो मैडम को फ़ोन किया, मैडम आपने मुझे पॉलिसी का कहा था,
तो उन्होंने कहा आ जाओ शाम को बैठेंगे। तो उसी वो पॉलिसी मुझे 50 लाख की पॉलिसी मिली और मेरा MDRT का रास्ता आसान हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब तक हम टारगेट नहीं लेंगे, हम अगर टारगेट नहीं लेंगे तो हम नहीं कर सकते, हमारा MDRT COT TOT नहीं कर सकते। मैं हर साल एक मेरे ऑफिस की दीवार पर मैं लिखता था कि मुझे इस साल MDRT होना है, और मैं वैसे कोशिश करता था लेकिन नहीं होता था। लेकिन जब गए साल हो गया, अभी भी एक दिल में ठाना है कि इस साल MDRT, MDRT तो अभी आसान लगता है, MDRT कोई ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम अगर, मैं मेरे बीवी को कहा, मेरे घर को, मेरे बच्चों को कहा कि मैं MDRT करने वाला हूँ, जब भी मैं घर पर जाता था तो मुझे मेरे बच्चे पूछते थे अब्बू आज पॉलिसी हो गई क्या, मैं कभी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन बच्चे पूछते थे अब्बू तुम्हारा MDRT हो गया क्या, कितना रहा। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने मेरे बच्चों को बताया, मेरी बीवी को बताया, मेरी माँ को बताया कि मेरा MDRT तो मैं करने वाला हूँ। ये लोग मुझे पूछते थे तुम्हारी MDRT हो गया क्या, कहाँ तक आया। तो जब हम अगर दोस्तों कमिटमेंट अगर हम करते हैं, अगर हम कमिटमेंट करते हैं और बताते हैं लोगों को कि मैं MDRT करने वाला हूँ, तो वो लोग हमें याद दिलाते हैं तुम्हारा MDRT कहाँ तक आया, तुम्हारा हो गया क्या। जब हम लोगों बताएंगे लोगों को, तो वो हमको पूछेंगे तुम MDRT के कितने करीब हो गया क्या, कितना रहा। और जब वो लोग पूछते हैं हमें कि तुम्हारा MDRT हो गया क्या, तो जब लगता है नहीं अभी अभी तो करना ही पड़ेगा, क्यों तो इतने लोगों को हमने बताया वाला रहता है कि दोस्तों को बताया वाला रहता कि मैं MDRT करने वाला हूँ, मेरे घर वाली को बताया, बाहर मेहमान रिश्तेदारों को बताया कि मैं इस साल MDRT करने वाला, विकास अधिकारी को बताया रहता है कि मैं इस साल MDRT करने वाला हूँ, हमारे जो ग्रुप है एजेंट ग्रुप उनको बताया वाला रहता है कि इस साल मैं MDRT करने वाला हूँ। वो लोग पूछते रहते कि सर MDRT को कितना रहा, तो तब हमें लगता है कि नहीं यार ये लोग हमें पूछते हैं तो अब MDRT करना ही है। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप जो सपने देखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जो आँख खुली रहकर हम देखते हैं। अगर सपना तो रात में भी सोने के बाद भी आता है, सुबह आदमी भूल जाता है, लेकिन सपने वो पूरे होते हैं जो हम आँख खुली रख कर देखते हैं। जब तुम लोगों से कहोगे और उसी सपने के पीछे तुम भागोगे तो तुम MDRT करोगे, COT करोगे। हर सपना छोटा है, फिर हर सपना छोटा है। मैंने दोस्तों, मैं सभी को बताया, मेरे दोस्त लोगों को भी बताया कि मैं अगले साल COT करने वाला हूँ और जरूर COT करूँगा। ये तुम अगर बात, तुम अभी भी अगर किसी को 2 लाख 3 लाख कमीशन कम है, किसी को 4 लाख कम रहेगा, लेकिन तुम अभी भी अगर समझो तुमने अगर ठान लिया, तुम पहले तो अपने घर में बताओ, अपने बच्चों को बताओ मैं MDRT करूंगा इस साल, तुम तुम्हारे ब्रांच मैनेजर को बताओ, तुम तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफिसर को बताओ सर मैं MDRT इस साल करने वाला हूँ। वो तुम्हें मोटिवेट करते रहते, वो पूछते रहते कहाँ तक आया, कितना कम है। मेरे विकास अधिकारी मुझे बहुत अच्छे मिले, वो मुझे हमेशा पूछते रहते कितना करना है, कहाँ तक आया, कितना करना पड़ेगा, टारगेट देते रहते, हमारी मीटिंग लगाते, मीटिंग में बात करने के लिए कहते हैं कि तुम तुम्हारा बताओ, मैं वहाँ पर भी बताता रहता हर रोज, हर जब भी मैं मीटिंग में खड़ा होऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मैं इतना काम करने वाला हूँ। तुम कमिटमेंट करो, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मैं आप सभी को कहता हूँ, हम अगर लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं ये करने वाला हूँ तो कैसा पता चलेगा दोस्तों कि लोगों को तुम क्या करने वाले हो, तुम कितना तुम्हारे पावर है। तुम जब लोगों को बताओगे कि मैं ये करूंगा, लोग तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कर सकते सर, तुम पूछेंगे कि तुम्हारा हुआ क्या, तब तुमको लगेगा नहीं ये पूछ रहा है, मुझे करना पड़ेगा। ये ऐसा रहता है, तुम अगर जब लोगों को बताओगे ना, वो लोग तुम्हें से पूछेंगे और तुम जरूर MDRT होगे, MDRT होगे, COT होगे, POT होंगे। मैं तो अगले साल COT होने वाला हूँ, अगर मौका मिला तो मैं वापस तुम्हारे साथ ऐसा जूम मीटिंग पर आऊंगा। मेरा इस साल का MDRT तो बहुत जल्दी, मैं कल 25 लाख की पॉलिसी डाल दिया। कल मैं ब्रांच से आता था, उसी दौरान मैं एक कस्टमर को कॉल किया और कस्टमर को पूछा कि सर आपने मुझे पॉलिसी के बताए थे, मैं आज आऊँ क्या। तो मैं वैसा ही उसी रास्ते से आते आते कस्टमर के घर पर गया, कस्टमर को पॉलिसी के बारे में बताया। वो तो 25 लाख की पॉलिसी मेरी कल हो गई, और एक दूसरी पॉलिसी उसी गाँव में, एक मेरे गाँव से, ये गाँव में नहीं होता है,
तुम दोस्तों गांव गांव की सीमाएं तोड़ो, तुम तुम्हारे गांव में नहीं होता है, तुम तुम्हारे गांव से आसपास के करीब, तुम अगर लगेंगे कि मैं मेरे गांव में नहीं होता, मेरे गांव से करीब फिर मेरे 20-25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के करीब मैं काम करता हूँ, मैं पुणे को काम करता हूँ। दोस्तों हमारे पास ब्रांड है, मैं सातारा ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारा वहां पर गया था, तो वहां जो ये हमारे ट्रेनर है उन्होंने कहा अपने पास ब्रांड है, बोले तुम अगर तुम्हारे पास ब्रांड है, लोग बोले कहाँ, उन्होंने बताया कि लोग दूर से आते हमारे गांव में आते, राजस्थान से आ रहे, कोई चटाई बेचने के लिए आता है, कोई ब्लैंकेट बेचने के लिए आता है, कोई रजई बेचने के लिए आता है, तो ये लोग हमारे गांव में आते और हम उनसे ब्लैंकेट लेते, रजाई लेते, स्वेटर लेते। और सर ने कहा कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा ब्रांड है, तुम फिर क्यों, तुम क्यों नहीं तुम्हारी सीमाएं तोड़ते। मैं पहले इतना दूर जाता नहीं था, उसी दौरान मैं ठहराया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे को काम करने के लिए जाऊंगा। तो पुणे का तो मुझे कभी मालूम नहीं था, पुणे में कभी ज़्यादा गया नहीं था, मुझे कभी कभी अगर कोई काम रहा तो उतना काम के लिए जाता था। और फिर मैं पुणे को काम चालू किया। दोस्तों मैं यहाँ से जो मेरे पुराने कस्टमर है उनके पास से रेफरेंस लेता था, मैं उनको कहता था कि मैं अभी पुणे में काम चालू किया, तो आपके कोई रिलेटिव है क्या पुणे में, कोई बताता था कि मेरे दोस्त लोग है, कोई हमारे रिलेटिव है, मैं उनसे उनके कॉन्टैक्ट लेता और नोट करता और उनको कॉल करता कि सर मैं इस मिरज मेरे गांव का हूँ, मिरज गांव का रहने वाला हूँ, मेरा जिला अहमदनगर है और मेरा गांव मिरज गांव है, मेरी ब्रांच श्रीगोंदा है। तो मैं लोगों को कहता था कि सर मैं इस गांव का हूँ, तुम्हारे मेहमानों की मेरे पास पॉलिसी है, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरी सर्विस कैसी है। तो सर्विस ऐसी दो, सर्विस एक नंबर सर्विस दो, जबरदस्त सर्विस दो, अगर तुम्हारी सर्विस तुम्हारा काम करती है, तुम अगर सर्विस लोगों को अच्छी दोगे तो तुम्हारे कस्टमर खुश रहेंगे, तुम्हारे कस्टमर तुमको रेफरेंस देंगे। मेरे कस्टमर मुझे रेफरेंस देते रहते कि सर हमारे मेहमान है, मेरे दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, उनको लड़की हुई है, उनकी उनकी पॉलिसी करनी है। तो रेफरेंस पर काम होता है। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या किसे? हेलो, आ रही आ रही आ रही ना? ओके ओके। तो अगर तुम रेफरेंस, तुम अगर तुम्हारी सर्विस अगर अच्छी रहेगी तो तुम रेफरेंस पर तुम्हें कॉल मिलेंगे तुमको। मैं पुणे का काम चालू किया, मैं पुणे जब लोगों से मिलता था तो आपन ज्यादा नहीं करते थे, अपना काम तो पहले अपने कस्टमर ने करे वाला रहता है, वो बता देता है उसके मेहमान को, उसके दोस्त को, यार ये एजेंट मेरा पुणे में आ रहा है और उसका बहुत अच्छा काम है, वो बहुत अच्छी सर्विस देता है, वो तब ये उनको बताते हैं, वो हमें। मैं जब लोगों को कॉल करके जाता था कि मैं जब भी पुणे जाना है, एक मैं हर महीने में पुणे जाता था, ये कोरोना पीरियड से मैं पुणे का काम अभी नहीं जा रहा क्योंकि तो लोग वहाँ के भी अपने वजह से भी किसी को तकलीफ नहीं होने मांगता, इसलिए मैं पुणे का काम अभी नहीं जा रहा, लेकिन हर महीना पुणे को एक चक्कर थी और जब भी जाता था तो एक 4-5 पॉलिसी में लेकर आता था पुणे को, और मेरे पॉलिसी पुणे में बहुत पॉलिसी हो गई मेरे। उसके बाद अभी मेरे गांव, मेरे गांव से तो मैं आसपास जितने भी आस करीब के गांव है, हर गांव में मेरे कस्टमर है, मैं हर गांव के कस्टमर की एक अच्छी सर्विस देता हूँ। जब कस्टमर को तुम सर्विस अच्छी दोगे, वो कस्टमर तुम्हारा पब्लिसिटी करता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा काम करता है ये जन। और सर्विस ऐसी दो कि तुम्हें उस पर रेफरेंस अच्छे मिलते हैं। तो मेरा काम ऐसा बढ़ता गया। मैं और ऐसे कस्टमर को हमेशा एक रिस्पेक्ट दो, कस्टमर आपका छोटा भी रहेगा आपसे, अगर उम्र में छोटा है आपको लगेगा कि नहीं ये छोटा है, तो उसको भी आप एक रिस्पेक्ट से बात करो, उसको अगर आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगता है, उसके घर वालों को अच्छा लगता है। मैं मेरे बैग में हमेशा चॉकलेट रखता हूँ, चॉकलेट लेके जाता हूँ, कभी किसी के घर का कोई बच्चा सामने आता है तो फौरन बच्चों को एक चॉकलेट निकाल के दे, बच्चे खुश होते, बच्चे खुश होते, माँ बाप खुश होते। तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो दोस्तों काम की कोई कमी नहीं है, काम हमने अपने खुद के लिए जंजीर हटा दी हमारे पैरों में कि नहीं मैं ये गांव में नहीं, मैं मेरे गांव में ही करूंगा। गांव में बिजनेस नहीं होता दोस्तों, गांव में बाकी सब एजेंट रहते हैं, अभी मेरे गांव में भी एजेंट बहुत से हैं, वो उनके वो गांव में करते, कोई जाता है बाहर
लेकिन मैं ये पूरी सीमाएं मेरे लिए मैंने तोड़ के रखी है। मैं आसपास एक 50 किलोमीटर के आसपास भी मेरे पॉलिसी है, मैं बारामती तक पॉलिसी को जाता हूँ, इधर अहमदनगर पुणे। तुम अगर ये काम मेरे, मैं जिला चेंज, मेरे पास से बीड जिला मेरे नज़दीक है, मैं बीड जिले में मेरी बहुत सी पॉलिसी है, ये पूरी हदें मैंने मेरे अपने लिए तोड़ के रखी है, मैं कोई हद नहीं है मेरे काम को। तो मैं आपको यही कहूँगा कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर तुम जिस घर में जाते हो पॉलिसी के लिए, वो लेडीज है, लेडीज का रिस्पेक्ट करो। दोस्तों एक बात बताता हूँ, मुझे एक कस्टमर के वहाँ मुझे उसने मुझे कॉल किया और मैं कॉल के लिए गया, पॉलिसी के लिए गया, मैं पॉलिसी समझ के बताई, उसने प्लान किया और मुझे कहा उसने कि सर वो फला फला एजेंट आया था हमारे पास, लेकिन मेरे बीबी को उसकी आदत पसंद नहीं आई। तो दोस्तों हम जब भी कस्टमर के घर पर जाते हैं तो हमारी नज़रें नीची हो, एक रिस्पेक्ट रहे। और तुम जिस घर में जाते हो वहाँ जब उसकी बीवी रहती है, तुम उसको ताई कहकर बोल सकते हैं। अगर तुम उसको ताई कहेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। और अगर हम भाभी का, अगर भाभी भी एक ठीक है, पर मैं तो ऐसा कहूँगा कि अगर आप ताई कहोगे तो उससे बेटर रहेगा। और काम तो होता रहता है, काम तुम मेहनत करोगे तो फल उसका यकीनन आपको मिलना है। तो इस दौरान आप बड़े प्रीमियम क्या देख, समझो वक्त तो थोड़ा रहा, एक दो महीना और दस साधारण दो महीना और दस दिन रहे काम के लिए। तो ये एक लिस्ट बनाओ कि हर रोज हमको कितना काम करना है, हर महीने में कितना टारगेट लेना है, तब हमारा MDRT पूरा होगा। आप हर रोज पर ला सकते, हफ्ते में ला सकते, आप महीने पर लाओ कि मुझे इस महीने में कितना करना है। आप अगर ज्यादा रहेगा आप दिन पर ला सकते कि मुझे इस दिन में कितना काम करना है, कितना प्रीमियम मांगता है, तो हो जाएगा आपका। सिर्फ टारगेट रखो, टारगेट रखकर काम करो, लोगों से कहो, आपके सपने पूरे होंगे। सपने पूरे होते हैं, सपना देखो और सपने के पीछे भागो। तो बस अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे पूछ सकते। मैं अभी मैं तो मेरी बातें बताया, तो बड़ी प्रीमियम की पॉलिसी बेचो। अगर दिन थोड़े हैं तो तुम उमंग पर ज़्यादा काम कर सकते, उमंग बेचो, उमंग बहुत बढ़िया प्लान है, इससे 100% प्रीमियम अच्छा आता है। और बड़ी पॉलिसी बताओ, तुम जब भी कस्टमर के पास जाएंगे तो तुम कस्टमर को छोटी पॉलिसी मत बताओ, पॉलिसी को शुरुआत ही बड़ी पॉलिसी से करो। कि हम अगर कस्टमर को छोटी बात बताएंगे कि सर ये ICP पॉलिसी है, 10,000 भरो और 20,000 भरो, तुमको इतना मिलेगा, उसके उसकी कैपेसिटी से तुम उसको ज्यादा बताओ। और बाद में फिर उसको कह सकते कि सर अगर आपको लगता है कि प्रीमियम आपको ज्यादा है तो हम कम कर सकते हैं। कस्टमर बाद में बताएगा, लेकिन अगर हम शुरू से ही उसको बताएंगे सर 5,00,000 की पॉलिसी लो और इसका रिटर्न इतना मिलेगा, ये नहीं। तुम उसकी जरूरत को देखो, उसकी जरूरत क्या है। तुम अगर जब कस्टमर की जरूरत पूछोगे तो कस्टमर बड़ी जरूरत बताएगा, पर हम उसको पॉलिसी छोटी बता दे, उसकी पहले जरूरत देखो। पहले तो मुझे कॉल भी आया किसी का कि सर हमको पॉलिसी करनी है, ऐसा ऐसा प्लान है, तो कैसा है तो बताओ। तो मैं कभी ऐसा फोन पॉलिसी समझ के नहीं देता, मैं पार्टी को मैं बताता कि सर मैं आपके पास आता हूँ, आपको समझ के देता हूँ, और आपको नाची नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको समझाना। मुझे LIC में मार्केटिंग करने के लिए रखा है, मैं आपको समझ के दूंगा, आप पूरा समझ के लो और उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको पॉलिसी कौन सी करनी है, कैसी करनी है। मैं उनको कहता रहता है कि सर कोई बताता है कि हमको नहीं, मोबाइल पर ही बोलो। मैं बताता है सर आपका कभी डॉक्टर के पास आप गए क्या? डॉक्टर आपको, अगर तुम डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर को फोन पर बता दे क्या कि सर मुझे गोली दो, ये गोली मुझे, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, और कुछ दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर क्या कहेगा कि तुम पहले हॉस्पिटल आओ, तुमको चेक करेगा और बाद में गोली देगा। गोली तो मेडिकल में मिलती है, फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो सर ऐसा रहता है कि एजेंट का काम भी यही रहता है कि एजेंट अगर पॉलिसी आपको देगा तो आप वो हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं सर, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मुझे पॉलिसी देनी है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत को देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लान सूट होगा। तो कस्टमर के हमको घर में एंट्री मांगता, तुम जब कस्टमर के घर में जाओगे कस्टमर को तब पता चलेगा कि आप
कैसे हो, आपका काम कैसा है, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, बात बहुत बड़ी नहीं हो और बात बहुत छोटी भी नहीं हो, एक मीडियम आवाज में बात हो अपनी। सबका रिस्पेक्ट, घर के बड़ों का रिस्पेक्ट करो, जिस कस्टमर के पास जाओगे। एक अभी मैं तो मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो हमारे में तो किसी के घर जाने के बाद हम पैर किसी के छूते नहीं, पर अगर सबको एक बात अगर अच्छी करोगे, आप किसी के घर पर जाते हो, उसके पैर अगर कोई बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहो, उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो बुजुर्ग रहते वो आपको आशीर्वाद देंगे, और कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता किसने पैर छुए। एक काम करने का एक ये तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपके सवाल, मेरा एक सवाल ऐसा है कि आप उमंग का प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, वो जरा बताओ लोगों को। उमंग का प्रेजेंटेशन सर, मैं लोगों को ये बताता कि आज फिलहाल बैंक की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। आज फिलहाल मेरे पास बैग में मेरे वर्ल्ड बैंक की इंटरेस्ट रेट है। वर्ल्ड बैंक की इंटरेस्ट रेट है कि जहाँ समझो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जर्मनी, रशिया, यूरोप, इधर इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारे पास से इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कस्टमर को पहले तो जब जाता हूँ तो कस्टमर को ये बताता हूँ, सर बैंक की इंटरेस्ट रेट तो दूसरे तरफ दूसरे देश में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट रेट तो 18% पर था, 18% से अभी 5% पर, 5.5% पर आया है। अगर कुछ दिन ऐसे ही गए, एक 5 साल 4 साल के बाद बैंक इंटरेस्ट नहीं देगी, फिर आपको गारंटेड इंटरेस्ट को कहाँ से मिलेगा। और सब में बड़ी बात है, इंश्योरेंस बहुत बड़ा है, पॉलिसी आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते, लोन ले सकते, और सब में बड़ी बात है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस बहुत बड़ा है उस पर, इंश्योरेंस अच्छा है, जैसी जैसी पॉलिसी आगे जाएगी इंश्योरेंस बड़ा रहता है, तो पार्टी को ये पसंद आता है। सब में बड़ी बात है इंटरेस्ट, मेन बात है इंटरेस्ट रेट। अभी लोगों के पास पैसा बहुत है, मैं लोगों से बात यही करता कि सर जब से नोटबंदी हुई, मोदी जी को तो पता चला कि हमारे बैंक में पैसा कितना है, गवर्नमेंट को तो पता है अकाउंट में पैसा कितना है, उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं रही। अब इंटरेस्ट कहाँ मिलने वाला नहीं, LIC का जो उमंग प्लान है गारंटेड 8% रिटर्न देगी आपको, तो ये लोगों को पसंद आता है और उमंग पॉलिसी कर देते हैं। और सर आगे और किसी को कोई सवाल है तो जरा अनम्यूट कीजिए मैडम। और मैं एक बात, हाँ सुजीत सर को हैंड रेज किया है। सुजीत, हाँ सर बोलिए। हाँ सुजीत सर, सुजीत है। हाँ सर बोलिए। ओ मैं अभी तक एक ही पॉलिसी भी नहीं भेजा है जीवन उमंग का, उसके तरह से कुछ टेक्निक्स मिलेगा तो अच्छा है। सर आप उनको ये बताओ, अगर आपको नेट पर से इंटरेस्ट रेट का अगर चार्ट मिलता है, ऑल ओवर कंट्री का इंटरेस्ट रेट चार्ट, वो निकालो, और इंडिया का भी उस पर है कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना कम हो रहा है। अगर हम इस पर बात करेंगे कि सर आपको गारंटेड इंटरेस्ट अगर लेना है, गारंटेड अगर आपको पेंशन की जरूरत, आपको पेंशन मांगता है, तो पैसे आएंगे कहाँ से। मैं ऐसा एक ये रहता, मैं लोगों को ये बताता, सर हमारे आसपास तुम देखो कि जिसको 2 लड़के 4 लड़के, तुम देखो कि वो 4 लड़के वाले आज उसके लड़के उसको नहीं संभाल रहे, वो एक अलग झोपड़ी बनाकर बाप माँ बाप एक अलग झोपड़ी में रहते, और बेटो जो 4 बेटे बंगले बनाकर रहते और खाना वही दोनों बनाकर खाते। मैं कहता हूँ ये दिन हम हमारे ऊपर क्यों लाए, तुम अभी से तुम्हारी पेंशन की शुरुआत करो, तुम अभी से तुम्हारे पैसे कुछ तजवीज करो। अगर हम हमारे 4 बच्चों को पाल सकते तो हम खुद के लिए क्यों नहीं हमारी पेंशन की शुरुआत कर सकते, ऐसा तब तुम लोगों को बताओ। एक मेन बात तो इंटरेस्ट का बताना पड़ेगा आपको लोगों को, दूसरी बात ये बताना पड़ेगा कि अभी के जो बच्चे हैं, अभी के बच्चे माँ बाप को संभालेगी किसकी गारंटी नहीं। पहले जो जनरेशन था वो कुछ लोग अपने माता पिता को संभाल रहे, कुछ लोग नहीं संभाल रहे, तो फिर अगर ये तुम उनके उनके गांव का उदाहरण तुम उनको बताओ कि इसके घर में इसके 2 भाई हैं 3 भाई हैं और उनके माता पिता अलग रह रहे, सर ऐसा हम हमारे ऊपर दिन क्यों लाए, हम हमारे लिए आज से कुछ अगर बना के रखेंगे तो जब बच्चे बड़े होंगे तब बच्चे तो आपको पूछेंगे क्यों, तो आपके पास पैसा है, जिसके पास पैसा होता है उसको दुनिया सलाम करती है। तुम अगर ये बात उनको बताने के लिए तुम सक्सेस हो गए तो
तो हो जाएगी पॉलिसी खुद ब खुद, लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं यार हमें ये प्लान बताओ। उनको ये तुमको बताना पड़ेगा कि बुढ़ापे का सहारा तुम ये तुम अगर करोगे तो, ऐसा समझ के देना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट कोई सर, मैंने 2 महीना पहले LIC का काम चालू किया है पुणे में। और ऐसा है कि मैं काफी सारे लोगों को मिला भी हूँ और एक दो पॉलिसीज अभी तक की है, बट अभी मेरा सवाल ऐसा है कि मेजर जो मैं अप्रोच करता हूँ मतलब मोमेडियन मुस्लिम कम्युनिटी को ही करता हूँ, तो उसमें ऐसा है कि काफी सारे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल कैपेसिटी है बट उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि वो लोग बोलते हैं कि अब हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे बट LIC में और इंश्योरेंस की बात छोड़ के, बोलो इंश्योरेंस में हम लोग करना ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे वो ऑब्जेक्शन हैंडल करे अपने लोगों के लिए। तो सर बात, आपका नाम सर? शेख शाहिद। शेख शाहिद, तो आप तो जानते हो कि इस्लाम में ब्याज लेना जायज नहीं है। तो मैं बता सकता हूँ उनको कि कितनी जरूरत है इंश्योरेंस की। अगर मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो अगर समझो बच्चे हमारे छोटे हैं और तब अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चे हमारी बीवी एक रास्ते पर आ जाएंगे, उनके लिए फिर तुमने कुछ अलग से करके रखा है क्या? तुम्हारे अगर बैंक बैलेंस रहेगा, अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी तो मत करो इंश्योरेंस। पर अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है और आपके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इंश्योरेंस करो। मैं ऐसा कहूंगा, मैं तो ऐसा कहता है कि तुम अगर तुम्हारे पास पैसे बहुत आए इसके बाद तुम अभी पॉलिसी लो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं बहुत तो तुम ये पैसा है ना एक तुम ऐसे जगह पर दे सकते कि जिसका सवाब नहीं मिलेगा, कि तुम ये पैसे जकात में तो नहीं चलते, तुम किसी समझो मस्जिद में मदरसे में कोई तहारत खाना बना सकते है, कोई समझो टॉयलेट बना सकते है, बगैर सवाब की नीयत से तुम ये पैसे वहां यूज करो। कहां? अगर तुम पॉलिसी टर्म तक जिंदे हो, जब मुदत खत्म होती है वो पैसा हम वहां लगा सकते, लेकिन हमारे बच्चे अगर छोटे हैं उस टाइम को अगर कुछ हो जाता है तो ये पैसे जकात बोल के उनके काम आएंगे। मैं ये टेक्निक से बोलता हूँ, लेकिन जब भी समझो कोई अभी हम तो मुस्लिम फैमिली से है तो मुझे तो इस बात पर मैं ज्यादा उनको नहीं कन्विंस करने के देखता, क्यों तो एक गुनाह में ज्यादा मुझे भी गिरना अच्छा नहीं लगता। वो मैं भी एक थोड़ा दीन का काम से जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो बताता है ना कि नहीं, मैं मेरे तरीके से उसको बता देता समझ के, अगर उसने कहा कि नहीं तो नहीं तो नहीं, ज्यादा उसको फोर्स नहीं करता। ओके आगे जमशेद जी। हाँ सर, आप लोनावला में थे और सर ने अतुल सर ने ये इसके बारे में बात छेड़ी थी, ये हमारा सेशन हुआ था, कैसे था ये सेशन जरा बताएंगे आप? अतुल सर का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ था, जो बिजनेस इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस मुझे बहुत बढ़िया लगा सर। वो बिजनेस इंश्योरेंस का जब भी हम एखादे पार्टी के पास जाते हैं तो दोस्तों हम उसका इंश्योरेंस बताते हैं उसको कि वो ये पॉलिसी अगर समझो लेंगे इतने मुदत के बाद इतना पैसा मिलेगा, अगर उसको कुछ होता है तो उसको मिलेगा। लेकिन जो अतुल सर ने हमको बताए बिजनेस इंश्योरेंस, उसकी जो भी कुछ लाइबिलिटी है, उसके लोन है, उसके अगर समझो बैंक लोन है, कोई व्यापारी का अगर लोन है, व्यापारी का समझो उधारी है, ये बिजनेस इंश्योरेंस जो मार्केट है ये बहुत बढ़िया तरीके से अतुल सर ने समझ के दिया था। मैं आप सभी को कहूँगा कि ये 600 रुपये जो फीस है वो आप भरे और इस ये सेशन को ज्वाइन करें। अतुल सर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया था सर, मैं मेरा भी उस पर अभी तक मैंने नहीं किया, मैं भी वो मेरा रजिस्ट्रेशन करूँगा। मैं आप सभी को कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट है ये आप सभी लोग ये अतुल सर का जो बिजनेस इंश्योरेंस है तो इसको आप ये लो, इस सेशन के आप जो फीस है ये भरो, क्यों तो बिजनेस इंश्योरेंस हम अभी जो तुम पार्टी के पास जाओगे वो तो उसको नया कोई बोलेगा नहीं कि बिजनेस इंश्योरेंस, वो बोलेगा बिजनेस इंश्योरेंस क्या रहता है, बिजनेस इंश्योरेंस बोले तो ये जो हमारे दुकान का इंश्योरेंस कराते वो इंश्योरेंस नहीं है, ये अलग तरीके का इंश्योरेंस है दोस्तों। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ये अतुल सर का सेशन अगर ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस इंश्योरेंस क्या है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बिजनेस इंश्योरेंस की।
मैं अभी इतना ही कहूंगा, अगर आप अतुल सर का जब सेशन ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा, 600 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम हमारे मैं आप सभी को कहूंगा, तुम एक इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में भी अपनी होना चाहिए। हम मैं देखता हूँ कुछ लोगों की बैग रहती है शादी एकदम पुरानी। दोस्तों मेरा अभी ऑफिस अगर आपको देखना, मैं कभी अगले नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा कि मेरा ऑफिस कैसा किया। मैं मेरी बैग है तो मैं एकदम ओरिजिनल लेदर की बैग ले, मेरे पास मेरा कुछ भी बढ़िया रहता है। मैं मेरा मोबाइल तक मैं एप्पल का लेने वाला हूँ। ब्रांड अपने पास ब्रांड मानता है, ब्रांड हमारा काम है, हमारा ब्रांड एक नंबर है, LIC एक नंबर है तो हमारी ब्रांड भी एक नंबर हो। तुम्हारा ड्रेस कोड, तुम्हारा रहन, तुम्हारी बात सब ब्रांडेड हो। मैं यही कहूँगा कि वैसा तुम एक ब्रांडेड संस्था से जुड़े हो। गुरुकुल जीवन, राजेश सर जादव सर है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तो मैं कहूँगा कि तुम एक काम भी ब्रांडेड करो और उनके जो सेशन रहते आप उन्हें ज्वाइन हो। मैं जब दिल्ली टूर पर गए तब मुझे पता चला कि मैं सिक्योरिटी कर सकता हूँ, मैं तो करने वाला हूँ। मैं आप सभी को कहता हूँ कि तुम एक टारगेट लो और एक संस्था से जुड़े रहो। हमारे विकास अधिकारी हमें बताते रहते, लेकिन जादव सर बहुत एडवांस लेकर आते, बहुत अच्छे ट्रेनर हमारे पास लेकर आते हैं। आप उनको सुनो, जब आप उनको सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि काम कैसा करें। और नेक्स्ट नेक्स्ट है सर कोई? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। तो ये जो सेशन है, हाँ सर, मैं आदम मुजार बोल रहा हूँ। तो ये लोग, हाँ 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 बोलिए सर, बोलिए। आपकी इजाजत हो शाहिद भाई से एक बात करूँ क्या? शाहिद भाई से बात बोले? हाँ, लेकिन टाइम अपना खत्म हो रहा 9 बजे का। ठीक है, मेरा सवाल ऐसा था, अभी आने वाले 80 दिन में आपने क्या प्लान किया MDRT के लिए? क्योंकि आपकी जैसे अभी अमाउंट बाकी है, कुछ प्रीमियम बाकी है आपका, वो प्रीमियम कलेक्शन करने के लिए आपके प्लान, आपने क्या प्लानिंग किया जिसकी वजह से हमको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कैसा प्लानिंग करें? हेलो हेलो, हेलो आदम मुझे, और हेलो, हाँ सर, मुजावर साहब आप मुझे सुन रहे हो क्या? जी हाँ, जी हाँ, मुजावर साहब आप मुझे सुन रहे हो? हाँ, जी हाँ, सुन रहा हूँ। तो मुजावर साहब, हाँ, तो मुझे सर अभी, हाँ हाँ, मुझे अभी 7.5 लाख रुपए प्रीमियम है। मैं जहाँ जब से इससे लोनावड़ा से आया तो मेरे पॉलिसी में अभी 25 लाख की पॉलिसी हो गई मेरी कल, तो मेरा 1,47,000 प्रीमियम आया, 1,47,000 कल का प्रीमियम है मेरा। 43,000 की एक पॉलिसी डाला प्रीमियम 43,000, और मैं हर महीने का 3 लाख का टारगेट लिया था, तो अच्छा। ये महीना में मेरा हो गया 1-2 लाख प्रीमियम हो गए वाला है, और 1 लाख कम था, और 1.5 लाख की जो प्रीमियम की पॉलिसी है वो मेरे अगले महीने में 10 तारीख को मुझे चेक दे रहा वो, अच्छा। उसके कंपनी का चेक है, वो मुझे कहा कि मैं कंपनी का चेक है, मेरे बड़ी पार्टी है, उसका दोस्त एक है, और ये 3 लाख मेरा ये महीने का सिर्फ, मुझे 1 लाख प्रीमियम कम है, ये महीने में 1 लाख प्रीमियम करूंगा तो मेरा रहा 6 लाख रुपए प्रीमियम, तो 6 लाख मेरे अगले महीने में, नवंबर में 3 लाख और दिसंबर में 3 लाख, तो मुझे एक तो 25 लाख की हो गई, 1,47,000 प्रीमियम आया, और उसके ही दोस्त की एक पॉलिसी 25 लाख की है, और मेरा वो उमंग है मेरे पास अभी 2 लाख रुपए प्रीमियम का, तो हो जाएगा, मेरे पास कस्टमर बहुत सारा है, ये एक्स्ट्रा होगा मेरा। अच्छा, जनरल कस्टमर का वर्किंग एरिया कौन सा रहता है आपका? मैं सर, मेरे 50 किलोमीटर का मेरा परिसर है, मैं 50 किलोमीटर घूमता रहता है मेरे गांव से। अच्छा, ठीक है, मुझे थैंक यू, और मेरे शुक्रिया। रेफरेंस आता है सर अपने कस्टमर से, तुम सर्विस अच्छी दोगे तो रेफरेंस आएगा। जी जी जी, पर्सनल फोन करता हूँ आपको वापस। ओके सर, ओके जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, मुझे और एक बात लोगों से कहनी है, ये तो है, ये 25 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन 27 तारीख इसके लिए किया है, क्योंकि मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज 25 तारीख को मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इसको 27 तारीख थोड़ा आगे किया है, और 27, 28, 29 ऐसा 3 दिन का ये सेशन रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। इसके आगे मैं और एक बात छेड़ता हूँ आपसे, बात करता हूँ, 1 तारीख से लेके करीब 10 या 11 तारीख तक और ये क्या होता है, कस्टमर मीट सब लोग नहीं कर सकते हैं,
ऑनलाइन कस्टमर मीट हम लोग करेंगे, आपको हेल्प रहेगा उसमें। उसमें हम ऐसे करेंगे कि हर एक दिन, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर है जिसका लड़का डॉक्टर बना है, लड़की डॉक्टर बना है, कोई है तो उसका लड़का लड़की एक्टर है, कोई है जिसका यहाँ पर गया है मतलब कारगिल में गया है, या सैनिक हो, तो ऐसे अलग अलग करियर वाले जो लड़के लड़की है उनको हम लोग लेके आएंगे और हम उनका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आप अपने कस्टमर को शामिल कर सकते हो। आपके कस्टमर्स अगर आएंगे, रोज आप कस्टमर्स को कुल कस्टमर्स आएंगे, हम लोग लास्ट में बच्चे के भविष्य के लिए बारे में कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजें करेंगे जिसका आपको फायदा होगा। तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी मतलब आपसे हम लोग कुछ पैसा नहीं लेने वाले हैं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बढ़े, आपकी आपका एमडीआरटी जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि नवंबर महीना होगा, दिवाली का दौर रहेगा, और दिवाली में आप कस्टमर के पास जा सकते हो, कस्टमर से आपको ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी मिले, आपकी दिवाली अच्छी रहे, शुभ रहे, इसके लिए ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। गुरुकुल आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, और जिस तरीके से गुरुकुल जीवन चल रहा है, आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आप सभी के लिए, और आप सभी यहाँ पर मैंने अभी करीब 285 लोग थे, तो 285 लोगों का मतलब LIC को कल सोमवार को 285 पॉलिसीज मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मैं बहुत कम चाहता हूँ, छोटा चाहता हूँ, लेकिन 285 पॉलिसीज LIC को गुरुकुल जीवन के माध्यम से अगर मिल जाती है तो गुरुकुल जीवन का एक छोटा सा योगदान वहाँ पर रहता है। इस तरीके का हमें अभी हमारे जमशेद जी जो वहाँ पर इतने दूर से काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष इनका जीवन है, और वहां से वो अच्छा प्रीमियम लेके आते हैं, बड़ी सोच लेके आते हैं। तात्या शेवाड़े आए थे लोनावाड़ा में, बड़ी सोच का बड़ा जादू उन्होंने बताया, तो चार्टर्ड प्लेन से उन्होंने सफर किया था, ऐसे 4 लाख रुपए देकर पुणे से अकलूज फैमिली को लेकर गए थे। जब ये बातें ये लोगों ने सुनी ना, तो पूरा ब्रेन वॉश हो गया हमारा, एक LIC एजेंट क्या कर सकता है। तो इस तरीके की बातें जो है वो आपको सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये तो एक छोटा सा सेशन हमने रखा है, 600 रुपया बहुत ही कम कॉस्ट है, बहुत ही कम कॉस्ट, और ये आप 3 दिन का सेशन करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब भी हम ऑफलाइन के लिए आपको बुलाते हैं तो ऑफलाइन में जरूर आना, क्योंकि नवम्बर में हम लोग और भी मुंबई टूर का आयोजन करने वाले हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। सो आई थिंक विद दिस नोट, 9 बजे है, किसी को और कुछ पूछना है तो जरूर पूछे, लेकिन मेरा जो बात है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मेरा नंबर मांग रहे मैडम, किसी को अगर पूछना है तो। हेलो, मेरा नंबर आपको चाहिए तो मैं, किसी को पूछना है तो नंबर इसमें डाल दीजिए, ताकि आपसे लोग डायरेक्टली बात करेंगे। नंबर डाल दीजिए चैट में, चैट में नंबर डाल दीजिए, नंबर डाल देगा मैं। ये अतुल सर का सेशन का PPT रिकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेगी, नंबर दिया है उस नंबर पे इमीडिएटली आप ट्रांसफर कीजिए पैसा, गूगल पे है, फोन पे है, अमेजोन पे है, पेटीएम है, और आपका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको उसमें, आपका नाम, नंबर, आप कहाँ से हो, प्लेस, एरिया, वो सारी चीजें भेजनी है, ताकि उसमें एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है, मैं जादू सर का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा शुक्रिया मत करो जमशेद जी, आपका शुक्रिया, आपने सर यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा, आप मेरे से भी ब्रिलियंट लोग इसमें होंगे, लेकिन मुझे आज इतने लोगों ने सुना, ये आपने बहुत बड़ा मौका मुझे दिया सर का, मैं फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो। इसी के साथ आप सबसे जुदा होता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार, bye bye, see you. Thank you.
यस आदम जी बाय बाय।